दोस्तों पारंपरिक स्टाइल में हम चटाई पर बैठ के इस बेहतरीन चिकन और धनिया चावल को खाएंगे और इसके साथ में रोटी भी है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये बनने के बाद जो इसका कलर आया हुआ है। और यहाँ पे आपको लौंग, इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा आपको ये बनने वाला है और देखने को मिलने वाला है। दोस्तों एक किलो के आसपास में हमारे पास चिकन है और उसके लिए दोस्तों हमने चार बड़े प्याज लिए हैं और इन प्याजों को दोस्तों हम अच्छी तरीके से काट लेंगे। तो दोस्तों काटने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले इसे हम छील लेते हैं और छीलने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से छील गया है। और छीलने के बाद दोस्तों सभी प्याज को हम अच्छी तरीके से काट देते हैं। ये देख सकते हैं काटने का ये जो तरीका है काफी अच्छा है, इससे काफी महीन तरीके से कट जाएगा। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये हमारे पास महीन कट गया है। सारे प्याज को दोस्तों हमने छील लिया और छीलने के बाद इसमें करना ये है कि हमें ये सब काटने के बाद अच्छी तरीके से जाली में प्याज को रखकर धो लेना है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अगर गंदगी वगैरह है तो वो कट जाएगी, मतलब वो निकल जाएगी। ये देख सकते हैं ये देखिए, अगर आपको कभी अंडा बनाना हो तो अंडे के लिए आप थोड़ा सा ऐसे करें और इधर से आप कर देंगे तो ये अंडे वाला जो प्याज होता है वो इस तरह से कट जाता है, बहुत महीन है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कितना महीन प्याज कट चुका है। और अगर कोई टुकड़ा हो, ये थोड़ा फास्ट काम है, ठीक है, बहुत सारे लोग प्याज को काटते हैं, बहुत आराम से काटते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट बनाना है खाना तो इसी प्रकार से इसे काट देना है। यहाँ पर दोस्तों हमने अपने पतीले को रख दिया है भगोने को और यहाँ पे दोस्तों हम तेल डालेंगे। तो तेल डालने के लिए और कुछ ऐसा सा चम्मच रहेगा और 3 से 3.5 चम्मच हमें तेल यहाँ पर इसमें डालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जब तक तेल पूरा पक न जाए, ठीक है, और हल्का सा पानी मारना है इसमें, जब तक छनछनाहट ना आए तब तक आपको कुछ भी नहीं डालना है। ये देख सकते हैं, ये है आइडिया अगर आपको बनाना है अच्छी तरीके से गोश्त और चिकन बनाना है या आपको मटन बनाना है या आपको बीफ वगैरह बनाना है, तो ये जो अच्छा तरीका है यही है। सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा जान लेते हैं, हम अपने गैस को कम कर देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सूखा मिर्च है और यहाँ पे ये सारे मसाले हैं, तेज पत्ता भी है, इलायची है, जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दालचीनी है और छोटी बड़ी इलायची भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सारे मसाले कम से कम इसमें डालते हैं और उसके बाद से सब कुछ यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास तेल पक रहा है और एकदम हल्के आंच पे ही हम इसे डालेंगे अभी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हल्के आंच पे हमने यहाँ पे डाल दिया है और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसे मिलाएंगे और एक गांठ यहाँ पे हम लहसुन भी डालेंगे, ठीक है, लहसुन भी अच्छी तरीके से यहाँ पे हम पकाएंगे। और क्योंकि ये हम बना रहे हैं जो गोश्त बना रहे हैं ये गोरखपुरी स्टाइल है और गोरखपुरी लखनऊ सब कुछ मिक्स समझो। और एक और लहसुन हम डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा और ये देखिए मसाले एकदम तड़कने लगे हैं। एक लहसुन और डाल देंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा हमें ये देख सकते हैं आप लोग ये अच्छी तरीके से मसालों का ये पूरा मिक्सअप जो है अच्छी तरीके से मसालों को भूनना है हमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो हमने प्याज को यहाँ पे धोया है उन प्याज को हम यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्याज को हमने डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और जो बाकी यहाँ पे हमने प्याज डाल दिया सब और
यकीन मानिए आज जब ये बनके तैयार होगा तो बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए सारे मसाले अभी ऊपर से ही, देखिए प्याज को भूनते ही जो इसकी जो कलर क्वालिटी है, जो इसमें मसालों की रंगत है, मजा आ जाता है देखने में कि हाँ भाई मसाले बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा भुनेंगे और अच्छे तरीके से भुनेंगे। तो भुनने के बाद अब क्या क्या इसमें पड़ेगा, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से इसमें पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए तब तक ये भूनते हैं, तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों याद रखिएगा इसमें कुछ एक मसालों को ऐड हम करेंगे जो कि खड़े मसाले होंगे, बाकी पिसे मसालों में भी बहुत सारे जो मसाले होते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से इसमें पड़ेंगे। तो उसके बाद से जो इसमें जो ये बन के तैयार होगा काफी फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये भुनना अभी स्टार्ट हो चुका है, लगभग 3 से 4-5 मिनट हुए होंगे और अभी कम से कम 10 मिनट तक और हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे पकड़ ना ले तेल, ये प्याज काला ना हो जाए, ठीक है। हम चलाते ही रहेंगे और इसको इसका आइडिया यही है स्वादिष्ट बनाने का कि इसको आप बस भुनते रहिए अच्छी तरीके। तो दोस्तों अभी मात्र 1 से 2 मिनट हुए होंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसे किस प्रकार से भून रहे हैं और जहाँ पर आप रंगत थोड़ी सी बदल रही है इस प्याज की और ये इसकी महक है काफी अच्छी आ रही है अभी डेट में यहाँ पे। और वाइट चीज और हम आपको दिखाते चले, गोश्त जो है चिकन जो है मैंने कुछ इस प्रकार के पीसेस करवाए हैं और अभी मैं फ्रीजर में रखवाया था ताकि कल ही लाया था जिसकी वजह कुछ बने थे और उसका कुछ को मैंने फ्रीजर में रखवा दिया। और यहाँ पे एक कलेजी भी है तो इसको भी हम डालेंगे। बाकी पीसेस कुछ इतने इतने पड़े हैं, लेग पीस है जो कि समूचा है और यहाँ पे कुछ आपको ये वाले भी पीस मिल जाएंगे, हड्डी वाले भी पीस मिल जाएंगे, टोटल मिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम इसमें ये देखिए हमारा कुछ ये भून चुका है क्योंकि अभी गोश्त डाल के भी चिकन डाल के भी हमें इसे भुनना है। तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाएंगे, ठीक है। अब ये जगह हम क्यों बना रहे हैं ये भी मैं आपको आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे पूरा तेल आ जाएगा, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं और हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। उस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने डाल दिया और ये अदरक लहसुन के पेस्ट को यहाँ पे हम घुमाएंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से भून जाए, नहीं तो अगर पूरे में लपेटा जाएगा तो उसका मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा हम इसमें इसमें डाल देते हैं, ये देख सकते हैं ये भून रहा है अच्छी तरीके से, ये देखिए काफी अच्छी महक आ रही है अदरक लहसुन पेस्ट की, ये अच्छी तरीके से यहाँ पे हम भूनने देते हैं, ठीक है। भुनने के बाद फिर एक बार ऐसे मिलाएंगे और उसके बाद एक और मसाले को यहाँ पर ऐड करेंगे इस रेसिपी में और यकीन मानिए आप ढाबे को भी भूल जाएंगे, ढाबे पे जो खाना खाते हैं या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाते हैं उसको भी भूल जाएंगे और अगर आप इसे बनाते हैं। अभी जो है ये हमारे पास भून चुका है और एक बार इसे मिक्सअप कर देते हैं, अदरक लहसुन और प्याज खड़े मसाले और खड़े लहसुन को अच्छी तरीके से मिक्सअप कर देते हैं यहाँ पे। और मिक्सअप होने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी रंगत बहुत तेजी के साथ यहाँ पर बदल रही है। सूखे मिर्चे हैं, आप हरे मिर्चे जरूर डालें, ठीक है, हरे मिर्चे से और भी टेस्ट लाजवाब हो जाता है तो सूखे सूखे तो डालने ही चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये देखिए हमारे पास प्याज है अच्छी तरीके से भून चुकी है लगभग, ठीक है। अभी थोड़ा सा और एक आध बार और इसे हाथ चलाएंगे हम यहाँ पर, उसके बाद से जो आगे रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को देखने के। पहले स्टेप में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमने इसमें बीच में जगह बनाकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हल्दी, ठीक है। हल्दी कम है, ठीक है, हल्दी कम से कम बड़े अगर 1 किलो गोश्त बना रहे हैं तो 2 चम्मच आपको हल्दी इसमें डालनी होगी। बहुत सारे लोग हल्दी को ऐड नहीं करते, हल्दी काफी फायदेमंद होती है और हल्दी को अगर आप ऐड करते हैं तो सेहत भी आपकी सही रहेगी और उसके बाद से जब ये गोश्त बन के सामने आएगा, हल्दी को कम से कम तेल में आपको ऐसे ऐसे भुनना है, ठीक है। थोड़ी सी और हल्दी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि दोस्तों हमारा जो गोश्त है काफी अच्छा बने और उसके बाद से मजा आ जाए दोस्तों खाने में। और यकीन मानिए
जबान से पानी अभी भी अभी अभी जो है निकलने लगा है, क्योंकि ये हल्दी की गंध काफी अच्छी आ रही है यहाँ पर। और इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट, ठीक है। और 2 मिनट भूनने के बाद अच्छी तरीके से हम, हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाया जाए। अभी देखिए ये बच्चों का काम नहीं होता है ये सब बनाना, और इसमें टाइम लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जब बन के तैयार होगा तभी मजा आएगा, क्योंकि खाने में अच्छा लगना चाहिए। ये देखिए, चलो मैं थोड़ा सा इसे भून लूँ अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम चिकन को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है, भून चुका है। और चिकन को इसमें डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से इसे हमें भुनना है, ठीक है। और भुनने के बाद उसके बाद से इसमें और भी मसालों को ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने प्याज और मतलब मसालों को के साथ में गोश्त को अच्छी तरीके से भुन दिया है। और भुनने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है काफी अच्छा दमदार निकल के सामने आया है। और मैं आपको बता दूं, गोश्त के साथ चावल जो हम लोग बनाते हैं घरों में वो कुछ अलग ही बनाते हैं। अभी देख सकते हैं पानी बॉयल हो रहा है, तो चावल जो बनाने का जो तरीका है वो हम आप लोगों को मतलब स्पेशल जो कि गोश्त के साथ खाया जा सकता है। और अगर आप सादा ही बनाते हैं तो सादा का भी कुछ आइडियाज है, और चावल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आप उसमें अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो और भी अच्छी तरीके से बन सकता है। तो इसके बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से इसका कलर आया है, मसाले ये गोल गोल, ये काली मिर्च है, ये सब कुछ यहाँ पे लगा है। अब थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं इधर क्या क्या है। इधर आप लोग देख सकते हैं ये धनिया पाउडर है, काली मिर्च वो लाल मिर्च है, नमक है, और यहाँ पे आपको काली मिर्च पाउडर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से भूनेंगे, खूब भूनेंगे जब तक ये नीचे मसाला ये देख सकते हैं पकड़ने लगा है। तो एक बार हम मसालों को डालकर भी ये देखिए कलर एकदम बदलता ही जा रहा है, हर मतलब फ्रेम में, इस वीडियो के हर एक फ्रेम में आपको कुछ अलग कलर देखने को मिलता है। जितना आप इसको चलाएंगे उतना ही मस्त ये बनने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा मैं मात्र 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढकूंगा, ताकि जो इसके मसालों का फ्लेवर है गोश्त के अंदर तक चला जाए। उसके बाद से मैं कुछ इसमें मसालों को ऐड करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम सारे मसालों को यहाँ पर एक ही बार में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, ठीक है। और 2 मिनट चलाने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, हल्का सा पानी, ज्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं चला लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने मसालों को ऐड कर दिया है, लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब आप नमक डालेंगे तो जो प्याज होगा और जो ये गोश्त होगा यानी कि चिकन, बार बार मैं गोश्त ही कहता हूँ, गोश्त बोलने की आदत है तो गोश्त ही कहते हैं, लेकिन है ये चिकन, तो ये पानी छोड़ेगा, तो पानी अभी नहीं डालना है, ठीक है। मैंने इसे लो फ्लेम में कर दिया है और स्लो आंच पे, और इसे थोड़ी देर 5 मिनट थोड़ा सा ढक के हम रखेंगे, क्योंकि जो गर्म मसाले अभी हमने ऐड किए हैं उनकी वो जो है हमारे जो गोश्त है इसमें भीग जाए, यानी कि पहुंच जाए मसाले अच्छी तरीके से, और ये जो प्याज है जब ढकेंगे तो नमक की वजह से ये गलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अभी से दोस्तों 10 से 15 मिनट तक पानी डाल के इसको भूनना है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये गर्म पानी में चावल डाल दिया गया है, और चावल वही है, रेगुलर चावल है, और हम लोगों के इस तरफ सांभा मंसूरी जो बहुत ही पतला वाला चावल होता है उसे कहते हैं,
छोटा चावल होता है, पतला होता है, और इसमें हमने धनिया की पत्ती ऐड किया है और थोड़ा सा नमक भी इसमें हम ऐड करेंगे ताकि और भी स्वादिष्ट हो जाए। तो ये नमक आप लोग देख सकते हैं ऐड हो चुका है। बाकी चावल की रंगत, चावल का जो टेस्ट होगा काफी गजब वाला। ये ढक्कन मैंने हटाया और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो हमारा प्याज है बिना पानी से अभी इतना भूख चुका है। अब ये जब नीचे पकड़ने लगेगा और नीचे आप लोग देख सकते हैं जो इसका ये है ग्रेवी, अब अच्छा बनेगा और भी अच्छा आ जाएगा कलर। आइए जब तक प्याज भुनेगा गलेगा तब तक यहाँ पर नीचे ये पकड़ने लगा है मुझे लग रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हल्का सा इसे और भी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा पानी यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करना है ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि नीचे मसाला पकड़ने लगा है, ठीक है। और ऐसे ही हल्का हल्का पानी, दो दो तीन तीन चम्मच चार चार चम्मच पानी हम डाल के इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे। बाकी दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही मस्त इसका खुशबू आ रहा है। और आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, अगर आप लोग खाते हैं चिकन वगैरह तो आप घर के कुछ इस प्रकार से जैसा मैंने बताया है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें छुपाया नहीं है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मजा आ जाएगा। बाकी हम आपको अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी है वो सब हम आपको दिखाएंगे जो आपके किचन में मिल जाता है। बाकी आपको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं ऐड करना है और उसमें ही से आप मस्त बना लेंगे इसे। यहाँ पे दोस्तों हम बस थोड़ा सा कितना हम लेंगे जीरा और इस जीरे को हम यहाँ पे डालें। दोस्तों यहाँ पर हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और ये पानी इसमें जाएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे कुछ देर हम इसे अभी पकाएंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ पर दो मिर्चे के लिए हैं सूखा मिर्चा और इसको यहाँ पे डाल देंगे। डालने से दोस्तों ये होगा इसमें कि जो इसका कलर है ना काफी अच्छा आएगा निकल के। अब दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों का कलर अभी नहीं चेंज होगा क्योंकि पानी डालते ही कलर आपको जैसा आप सोच रहे हो वैसा कलर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए, आपको कलर मिलेगा एकदम ऐसा कलर मिलेगा कि आप पूरा का पूरा खाना चाहेंगे इसे। दोस्तों एक बार और यहाँ पे पानी पूरी तरीके से सूख गया है। और देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, आप चिकन बना रहे हो और बार बार इसे ढककर नहीं बनाना है, ठीक है, दो से तीन बार ढकना है जैसा मैंने इस वीडियो में बतलाया है। और अभी हमें कुछ देर और इसे पकाना है। रंगत आप लोगों के सामने है और इस पे हम ज्यादा मेहनत करेंगे तभी हमारा जो गोश्त है चिकन है ये अच्छे तरीके से बनेगा। और बाकी मैं एक चीज और आप लोगों को दिखा दूं, मेरा चावल भी हो चुका है और यहाँ पर आप लोग चावल देख सकते हैं और मैं थोड़ा सा निकालता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, ये आप लोग देखिए यहाँ पर ये चावल है, चावल जो है चावल पतला वाला है और काफी अच्छा ये जो इसका कलर है ये देखने को मिल रहा है आप लोग देख सकते हैं, और ये अच्छी तरीके से यहाँ पे बन चुका है। और धनिया जो इसमें डाला गया था वो भी साइडों में दिख रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं स्पेशल धनिया चावल, काफी बेस्ट होता है ये, ठीक है। और बाकी हमारा गोश्त थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे अब धीरे से। दोस्तों आप सभी देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो गोश्त है ये पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसकी आंच को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये धीरे 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 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरे मसाले ऊपर आते रहेंगे और इसके बाद से दोस्तों जो इसका कलर होगा काफी अच्छा होगा ये ठंडा होने तक। यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होगा, उसके बाद से इसका कलर काफी लाजवाब होने वाला है। यहाँ पर मैं आप लोगों को चला के दिखा दूं, थोड़ा सा पानी ज्यादा इसलिए डाला है क्योंकि चावल के साथ इसे खाना है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं रोटियां भी अवेलेबल है और जिनको खाना है आ जाइए। और ये देख सकते हैं रोटियां कितनी फर्स्ट क्लास है, ये मैं नहीं बना रहा हूँ बस इतना समझिएगा, ऐसी रोटी हम नहीं बना पाते। अब ये देखिए यहाँ पे तेल वगैरह आ गया है। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें हम धनिया ऐड करेंगे, तो धनिया हम बहुत आराम से चारों तरफ फैलाते हुए ये कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और अब दोस्तों देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पे जो कलर है ये इसका अब बनता ही जाएगा और ये थोड़ा सा ठंडा होगा क्योंकि जब उबलता हुआ आंच होता है खाना होता है तो वहां पे आपको कलर नहीं समझ में आता। और अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी जब हम इसे
प्लेट में परोसेंगे दोस्तों, यकीन मानिए मजा। दोस्तों पारंपरिक स्टाइल में हम चटाई पर बैठ के इस बेहतरीन चिकन और धनिया चावल को खाएंगे और इसके साथ में रोटी भी है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये बनने के बाद जो इसका कलर आया हुआ है। और यहाँ पे आपको लौंग, इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा आपको ये बनने वाला है और देखने को मिलने वाला है, और जब आप इसे खाएंगे काफी मजा आएगा। दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग भी अपने घर पे बनाएं और हमें बताएं कि कैसा ये बनता है आप लोगों के वहां, आप लोगों ने कैसा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमें ईमेल पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर भेजेंगे कि आप लोगों ने किस कैसा बनाया इस रेसिपी को और किस प्रकार से बनाया, तो दोस्तों हम आप लोगों को एक पुरस्कार भी देंगे अपने YouTube चैनल की तरफ से।